हेलो एवरीवन, आजकल हमें बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल 2 या 2 से ज़्यादा होता है और लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये लेवल कम नहीं होता। जिनका क्रिएटिनिन लेवल बड़ा होता है उन्हें हाई प्रोटीन डाइट जैसे दूध, नॉनवेज, दालें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसमें लेना क्या चाहिए। डाइट में हमें फ्रूट्स जैसे संतरा, पपीता, सेब इनका सेवन करना चाहिए। सैलेड्स में गाजर, प्याज, टमाटर इन सब का सेवन कर सकते हैं। यदि क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल ना किया जाए तो किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिसे कि हम किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर में डायलिसिस रेगुलर बेसिस पे करवाना पड़ता है। इस स्टेज पर भी आयुर्वेद के माध्यम से हम क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।